अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र में नहीं बिकेगी शराब, लाइसेंस किए गए निरस्त। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हापुड़ हलचल। इस वक्त की बड़ी और खास खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शराब की दुकानों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यहाँ राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। यह जानकारी उत्तर प्रदेश विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान राज्य के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने दी। मंत्री ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। वे बसपा सदस्य भीमराव अंबेडकर के प्रश्न का जवाब दे रहे थे। आबकारी मंत्री ने बताया कि आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली 1968 बनाई गई है, जिसमें समय समय पर जरूरत के मुताबिक संशोधन किए जाते हैं। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया इसके तहत सार्वजनिक पूजा स्थल, चिकित्सालय, विद्यालय या फिर आवासीय कॉलोनी के 50, 75 और 100 मीटर की दूरी के अंदर दुकान या उपदुकान को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार अभी नियमावली में संशोधन पर विचार नहीं कर रही। बता दें कि बसपा सदस्य भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र की बस्तियों से सरकारी देशी शराब की दुकानों को हटाने की मांग की थी। बहरहाल, इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल हापुड़ हलचल।